Hi artists, if you are new in buying art supplies, especially from Bluebird Paints, and want to get information about the quality, service, delivery and especially the texture of Bluebird Paint products and want to buy them, then this video is for you. I'm gonna inform about all this. Bluebird recently advertising most about their Silglow paint products. To be honest, jab maine start mein use kiya, I was like, kya hai bhai? ये क्या है, क्योंकि ये जल्दी हार्ड टेक्सचर शो कर रहे थे. अगर आप इनके जार्स को या ये जो कंटेनर्स हैं नहीं थोड़ी देर ओपन किए रखो तो इनकी अपर लेयर ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है. प्लस इनकी सीलिंग प्लेट्स कोई ज़्यादा फिट नहीं है, ये इतनी टाइट नहीं होती कि आप कॉन्टैक्ट एयर कॉन्टैक्ट को रोक सकें या वो फ्यूचर में भी न्यू स्टार्ट वाला टेक्सचर शो कर सकें. तो जो मैंने इन्हें यूज़ किया, लाइक अगर यू वॉन्ट टू यूज़ देम इन कैलीग्राफी लेटर्स, अगर बड़ी आर्ट की बात है तो सम हाउ ईजीली आप हैंडल कर लेते हैं, बट इन लिटल सॉर्ट ऑफ लेटर्स और डिटेलिंग यू नीड अ थिन पेस्ट ऑफ कलर जो बीच में हार्ड टेक्सचर्स ना छोड़े और एक थिन पेस्ट हो जो स्मूथली कोई भी शेप दे दे. देन आफ्टर ऑल दिस मेस आई डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन दोज कलर्स. मैंने पहले ऑयल कलर्स वाला मॉडलिंग पेस्ट डाला जो कि यूजुअली मार्केट में अवेलेबल भी होता है और यूजुअली हम मिट्टी का ऑयल या पेट्रोल भी यूज़ करते हैं, बट इफेक्ट्स वर टोटली स्ट्रेंज कि पेंट जो था वो कैनवस पे अटैच ही नहीं कर रहा था. फिर ऑयल का ऑपोजिट वाटर होता है, हमें सबको ही पता है. सो सिंपली अगर आपका पेंट थिक टेक्सचर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल लें एंड मिक्स वेल एंड फॉर श्योर यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स. पर ख्याल रहे कि पानी ज़्यादा भी ना डल जाए, 1 or 4 इज़ गुड और इनफ होगा, जैसे क्रेलिक्स में होता है. बाकी ब्लूबर्ड वालों की डिलीवरीज एज इन पैकिंग कंपैरेटिवली अच्छी होती हैं. बाकी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो bluebirdarts.pk देखें और गूगल पे और कुछ भी ले रहे हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट के लिए और भी सप्लाइज अवेलेबल होती हैं. तो भाई अगर आप मेरे जैसे और आर्ट सप्लाइज के पीछे भागते हैं तो प्लीज़ भाग पड़े. दीज आर सो गुड.